ऑल राइट, तो आज हम बात करेंगे कि क्या एक हस्बैंड अपनी वाइफ से मेंटेनेंस ले सकता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके प्रोविजन बता देता हूँ। तो इसके प्रोविजन है जो हमें मिलते हैं सेक्शन 125 ऑफ CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ये एक एक्ट है, इसमें सारा प्रोसीजर डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 125 बोलता है कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से मेंटेनेंस ले सकता है, जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है, और जो बूढ़े माँ बाप हैं वो भी अपने बच्चों से मेंटेनेंस ले सकते हैं। गॉट इट? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हस्बैंड भी अपनी वाइफ से मेंटेनेंस ले सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ के लिए कंडीशन बता देता हूँ। ले तो सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि जो हस्बैंड है वो अनेबल टू अर्न होना चाहिए। आर यू गेटिंग? अनेबल टू अर्न यानी कि उसकी ऐसी हालात हो वो कमा नहीं पाता, या फिर वो जॉब नहीं कर सकता, या उसको कोई ऐसी बीमारी है वो कमा नहीं पाता, तब जाके वो वाइफ से मेंटेनेंस ले सकता है। ओके, और सेकंड कंडीशन ये है कि जो वाइफ है वो अर्निंग होनी चाहिए, यानी कि वाइफ कुछ अर्न करती हो तब जाके वो अपने हस्बैंड को मेंटेनेंस दे सकती है। अदरवाइज आप खुद सोचो कि वाइफ अर्न नहीं करती तो वो हस्बैंड को कहाँ से देगी। तो यही थी कि भाई हस्बैंड भी अपनी वाइफ से मेंटेनेंस ले सकता है। तो ये तो हो गई जनरल बातें। अब जो मेंटेनेंस है वो रिजेक्ट किन किन बातों पे हो सकता है, तो आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसमें जो ग्राउंड्स हैं वो भी वही एक हस्बैंड पर भी अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर हस्बैंड ऐसे काम करता है या फिर ऐसी कंडीशन में पाया गया जाता है तो कोर्ट उसके मेंटेनेंस को रिजेक्ट कर सकती है। सो आई होप इट इज़ क्लियर।